दोस्तों, मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपके मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे नंबर पर मैसेज नहीं जाता है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या कीपैड फ़ोन हो। किसी भी कंपनी का यदि आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज सेंड नहीं होता है, मैसेज सेंड करने के बाद कुछ देर के बाद फेल बता देता है या मैसेज एरर बता देता है। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन से मैसेज नहीं जाता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो 7 से 8 मिनट का होगा, ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं, तो 100% किसी भी मोबाइल फ़ोन में यदि मैसेज सेंड नहीं होता है तो बड़े ही आसानी से उस प्रॉब्लम को आप घर बैठे बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को किसी सर्विस सेंटर या दुकान पे जाते हैं रिपेयर कराने के लिए, तो दोस्तों 100% आपसे 500 से 700 रुपये ले लेगा और वही करेगा जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, 7 से 8 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन देख रहे हैं उस पर भी क्लिक करके आल वाले बटन पे दबा दें, ताकि जब भी कोई इस टाइप का टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मौर्य। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन है, एक तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और दूसरा कीपैड मोबाइल फ़ोन है। ये जो कीपैड मोबाइल फ़ोन है वो कस्टमर की तरफ से आया हुआ है और कस्टमर बोल रहा था कि यहाँ पे जो मैसेज है वो सेंड नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे मैसेज एक बार सेंड करके दिखाता हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर हम मैसेज टाइप करते हैं, कोई सा भी, यहाँ पे मैं क्रिएट मैसेज पे जाता हूँ और कोई सा भी मैसेज टाइप करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं 121 पे मैसेज कुछ भी लिख करके सेंड करता हूँ। चलिए ये मैसेज हमने लिखा और इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये सेंड ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ कि मैसेज जाता है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज सेंड नहीं हुआ। मैसेज यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन अनेबल टू सेंड मैसेज। कहने का मतलब ये है कि मैसेज फेल हो चुका है और यहाँ पे अनेबल टू सेंड मैसेज का ऑप्शन स्क्रीन पे आ गया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा या आपका घर का कोई भी सदस्य गलती से भी यदि मोबाइल फ़ोन को छेड़छाड़ कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको क्या करना है, कहीं भी किसी भी दुकान पे नहीं जाना है, अन्यथा आपका 300 से 400 रुपये का चूना लग जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद ड्रॉ करके नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सभी मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग होता है, मैसेज में ही ये सेटिंग होता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा टेस्ट मैसेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में किसी भी नंबर से मैसेज नहीं आता है तो ब्लैक लिस्ट में आकर के सबसे पहले वो नंबर देख लीजिएगा और यहाँ से ब्लैक लिस्ट से वो नंबर हटा दीजिएगा, तभी मैसेज आएगा। अगर ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, ब्लैक लिस्ट में नंबर रहेगा तो उस नंबर से नहीं आएगा, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन से नहीं जाता है तो उसके लिए ये सिम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो सिम वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्विस सेंटर का नंबर है वो 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, वही नंबर यहाँ पे आपको सेव करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं वो नंबर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 को हटाता हूँ और +91 करता हूँ, +91। इसके बाद आपको 99 35 0 51 91 और 4 ये नंबर ध्यान से देख लीजिएगा। इसको इस सर्विस सेंटर वाले ऑप्शन में आपको ओके कर देना है, सेव कर देना। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पे सेव हो गया, ये नंबर आपको इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद फिर मैं एक मैसेज यहाँ पे क्रिएट करके सेंड करता हूँ। चलिए यहाँ पे क्रिएट मैसेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फिर 121 यहाँ पे सेंड टू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ A to Z। अब देखता हूँ कि यहाँ पे ये मैसेज सेंड होता है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैसेज यहाँ पे सेंड होने लगा। तो आप इस तरीके से इस सेटिंग को देख लीजिएगा, इस नंबर को आप एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा, 100% आपके मोबाइल फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके पास एंड्राइड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो आपको क्या करना है, यदि आपके एंड्राइड फ़ोन से मैसेज नहीं जाता है तो आपको सबसे पहले जो मेन सेटिंग होता है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ भी आपके मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग है, इस सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ करके नीचे आना है। ड्रॉ करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप्स का, ये मैनेज ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने एप्लीकेशन हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको ड्रॉ करके ऊपर जाना है या नीचे स्लाइड करके आ जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज का, ड्रॉ करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मैसेजिंग का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ करके और नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे ऊपर ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स परमिशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है, यदि आपका बच्चा या आपसे ही गलती से ये बंद हो जाए तो भी मैसेज नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इसे ऑन कर देना है। इस तरीके से सभी को ऑन कर देना है और यहाँ पर जो लोकेशन वाला ये ऑप्शन है इसे आपको बंद रखना है। इन सभी को आपको ऑन कर देना है, इस तरीके से आपको ऑन कर देना है। इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूज पे आपको क्लिक करना है, यूजेज पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दो ट्रिक है इसे आपको ऑन रखना है। अगर ये ट्रिक ऑन नहीं है तो भी मैसेज सेंड करने में आपको दिक्कत होगी, मैसेज नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रिक जो है कि आपको ऑन रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर डिफ़ॉल्ट का, सबसे लास्ट में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो भी सेटिंग छेड़छाड़ हुआ रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, बस आपको एक बार ऐसे टच कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैसेज सेंडिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी जानकारी मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिन भाई के मोबाइल फ़ोन में ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के माध्यम से देख करके अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी टाइप के टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।